बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं उकामी मलिक और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब का मनफरद चैनल HTV पाकिस्तान। नाज़रीन ग्रामी, हमारी नई वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, जैसे कि आप जानते हैं कि कल एक अनाउंसमेंट आई और तमाम लोगों ने सुख का सांस लिया। आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान आर्जी जंगबंदी हुई और इसका मकसद ये था कि दोनों अतराफ से नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा सके, मैदान जंग से लाशें उठाई जा सकें और इसके अलावा अहम डेवलपमेंट की जा सके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान आर्जी जंगबंदी की कोशिशें तमाम की तमाम अधूरी रह गईं। सिर्फ चंद मिनटों के बाद दोनों अतराफ से गोला बारूद इस्तेमाल किया गया और आर्मीनिया की जानब से ठीक जंगबंदी के 2 मिनट के बाद ही इसकी खिलाफवर्जी की गई। आर्मीनिया ने इल्ज़ाम लगाया कि जंगबंदी के सिर्फ 4 मिनट के बाद अज़रबैजान की जानब से मुकम्मल तौर पर इसकी खिलाफवर्जी सामने आई है। इस वीडियो में आपको तमाम तक तफसीलात बताएंगे कि कौन सही है, कौन गलत है और किसने आर्जी जंगबंदी की तमाम खिलाफवर्जियों के हदें पार कर दी। वीडियो के मजीद तफसील में जाने से पहले यूट्यूब के मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीज हमारी वीडियो को लाइक कमेंट करके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर कीजिएगा। मोसमीन गैर मुल्क की खबरस्तान इदारे AFP के मुताबिक 27 सितम्बर को आर्मीनिया और अज़रबैजान की फौज के माबैन लड़ाई शुरू होने के बाद जंगबंदी के क्याम की दूसरी कोशिश की गई थी, जिसका ऐलान गुज़श्ता रोज़ किया गया था, लेकिन ड्रामाई तौर पर चंद ही मिनटों के बाद इसकी खिलाफवर्जी की गई। लड़ाई और गोलाबारी से सैकड़ों अफराद लुकमे जल बन गए, जिनमें जंगजू और आम शहरी भी शामिल हैं। नज़रीन ग्रामी, रूस ने 1 मरतबा नहीं बल्कि 2 मरतबा दोनों मालिक को मुज़ाकरात के लिए कायल किया और आर्जी जंगबंदी पर मुत्तफिक किया। अब अज़रबैजान का कहना यह है कि कारबाग के असूल के लिए वो किसी हद तक भी जा सकते हैं। आर्मीनिया ने यह स्टेटमेंट दी है कि हम लंबे अरसे तक अज़रबैजान के साथ जंग लड़ सकते हैं। अब लड़ाई और गोलाबारी से सैकड़ों अफराद बेघर हो चुके हैं और हलाकतों की तादाद भी हजारों में चली गई है। आर्मीनियाई फौजी अहदेदारों ने एक खसूसी रिपोर्ट में बताया कि अज़रबैजान की फोर्सेज की जानब से रात के कारबाग पर गोलाबारी की गई है। और इसके अलावा आर्मीनिया वजारत दिफा के तर्जमान ने बताया कि सुबह के वक्त दुश्मन ने कारबाग जोन की जनूबी सिमत पर हमला किया था और दोनों अतराफ से हलाकतों और जख्मियों की इतलात मौसूल हुई है। दूसरी जानब अज़रबैजान के वजारत दिफा ने कहा कि आर्मीनी फौज ने जंगबंदी के बावजूद रातों रात मुतनाज़ा इलाके में मार्टर और तोपखाने का इस्तेमाल किया और सुबह के वक्त कई अतराफ से हमलों की कोशिशें की। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर HTV पाकिस्तान की जानब से हम आपके सामने एक सवाल रखते हैं कि अगर इस जंग को ना रोका गया तो क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मरने वालों की तादाद कितने हद तक बढ़ सकती है? क्योंकि इस पहले जब इन दोनों मालिक के दरमियान जंग शुरू हुई तो 30,000 अफराद लुकमे चल बने थे, लेकिन तब की और अब की टेक्नोलॉजी में फ़र्क है। तब और अब के मामलात में काफ़ी हद तक सिचुएशन चेंज है और अगर ये अब दोनों ममालिक जंग नहीं रोकते तो मामलात कहां से कहां तक चले जाएंगे और 30 लाख से अब कितने ज़्यादा हलाकतें हो सकती हैं। प्यारे दोस्तों, वजारत आर्मीनिया पर यह इल्ज़ाम भी लगाया गया कि दोनों मालिक की सरहद के साथ कारबाग के शुमाल में 2 इलाकों में अज़रबैजान की फ़ौज के ठिकानों पर हमला करने के लिए बड़े पैमाने पर हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। वादर के गुज़श्त रोज़ अज़रबैजान के शहर गांजा में मिज़ाइल हमले में कई मकानात तबाह हो गए थे, जिसके नतीजे में 12 अफराद हलाक हुए और 40 से ज़ायद जख्मी होने की इत्तला मौसूल हुई। ये हमला ऐसे वक्त में सामने आया था जब चंद घंटों कबल ही अज़रबैजान की फौज ने आर्मीनिया के अलहदगी पसंदों के दरहुकूमत पर गोलाबारी की थी। नतीजे ग्रामी इलाकाई क़ुव्वत रूस और तुर्की की इस लड़ाई में शामिल होने के बाद से ईसाई अक्सरियती आर्मीनिया और मुसलमान अक्सरियती अज़रबैजान के दरमियान कशीदगी को कम करने के लिए बैन अवी कोशिशों को हमलों ने बज़ाहिर नुकसान पहुँचाया था। नाज़रीन ग्रामी, ख्याल रहे कि रवां साल सितंबर के आखिरी हफ्ते में दाइयों से जारी कारबाग तनाज़े का एक बार फिर आगाज़ हुआ था और अब तक दर्जनों अफराद लुकमे अजल बन गिने, तकरीबन मरने वालों की तादाद 2500 तक पहुँच गई। वादर है कि कारबाग का बैन अवी सतह पर अज़रबैजान का हिस्सा तस्लीम किया जाता है, लेकिन 1994 में दोनों मालिक के दरमियान जंग के इख्तिताम के बाद से इसका हुकूमती इंतज़ाम आर्मीनी नस्ल के अफराद के पास मौजूद है। अब सूरत हाल ये है कि आर्जी जंगबंदी को 1 मरतबा फिर तोड़ दिया गया और ये पहली मरतबा नहीं हुआ, इससे पहले भी 2 मरतबा ये किया गया। रूस ने बज़ाहिर अपना किरदार अदा कर दिया, 1 मरतबा नहीं बल्कि 2 मरतबा आर्मीनिया और अज़रबैजान को आर्जी जंगबंदी पर मुत्तफिक किया। आमरीन का कहना यह है कि इन दोनों मालिक को ना रोका गया तो ये दोनों मालिक एक दूसरे की बड़ी तबाही करेंगे।
और इस बड़ी तबाही में दर्जनों अफराद लुकमा अजल बने के सैकड़ों बेघर हो चुके और इस तरीके से जंगी साजो सामान का जो नुकसान हुआ उसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इससे पहले जब ये जंग हुई थी तकरीबन 30,000 अफराद हलाक हुए थे, लेकिन अब मरने वालों की तादाद लाखों में जा सकती है। आर्मीनिया कारबाग की पुष्पनाई करता है, ताम इसकी आज़ादी को तस्लीम नहीं करता। और इसके अलावा उन्होंने एतराफ़ किया कि अजरबैजान की अफवाज ने गुज़श्ता हफ्ते कारबाग के असूल के लिए बड़ी कार्रवाई की है। अजरबैजान के अदारों का कहना था कि उन्होंने आखिरी बार जबराइल का कंट्रोल स्विच जंग के बाद हासिल किया है। मौजूदा कशीदगी इस 6 साल तनाज़े के बाद अब तक की मौलिक और तवील तरीन है और इस कशीदगी को मुतहद ममालिक और माहरीन का कहना यह है कि ना रोका गया तो ये लड़ाई मजीद बढ़ सकती है और इस लड़ाई को रोकना होगा। अगर इस लड़ाई को नहीं रोकते तो मजीद हलाकतें होंगी, मजीद हलाकतों के बाद मजीद लोग लुकमे चल पड़ेंगे और मजीद शहरी आबादी को नुकसान होगा। अब अजरबैजान के सदर ने कहा कि हम आर्मीनिया की शहरी आबादी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, हमारा मतलब कारबाग तक है। कारबाग के असूल के लिए हम आर्मीनिया की उन तमाम फौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचाएंगे, तबाह करेंगे जहाँ से वो अजरबैजान की शहरी आबादी को निशाना बना रहे हैं। अगर आर्मीनिया की जानब से मुजामत छोड़ दी जाए, कारबाग हमारे हवाले कर दिया जाए तो हम आर्मीनिया को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। दूसरी तरफ आर्मीनिया इस जंग में वाज़ह तौर पर हार चुका है और ये बात वो खुद भी तस्लीम करते हैं। जितना जानी और माली नुकसान अजरबैजान की जानब से बताया जा रहा है, आर्मीनिया बिल्कुल उस पर मुतफिक है। आर्मीनिया ने एक स्टेटमेंट दी थी कि हालिया हमलों में आर्मीनिया का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। नाज़रीन ग्रामी, आर्मीनिया ने कहा है कि हम बड़े पैमाने और लंबे अरसे तक अजरबैजान के साथ जंग लड़ेंगे। अब सूरत हाल मजीद कशीदा तब हो रही है जब आर्मीनिया की जानब से अजरबैजान के मजीद शहरी आबादों को निशाना बनाया जा रहा है। अब आर्मीनिया की जानब से अजरबैजान और अजरबैजान की जानब से आर्मीनिया पर आर्जी जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम आयद किया गया है। अभी तक इसके बारे में कोई वाजिया ऐसी कोई सूरत हाल पैदा नहीं हुई कि हम ये कह सकें कि आर्मीनिया ने खिलाफ वर्जी की या अजरबैजान ने, लेकिन जो इतलात हम तक मौसूल हुई उसमें आर्मीनिया की जानब से आर्जी जंगबंदी के ठीक 2 मिनट के बाद गोले फायर किए गए, मिसाइल फायर करके अजरबैजान की शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। तो दूसरी तरफ अजरबैजान ने भी सिर्फ 4 मिनट के बाद आर्मीनिया के फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। अब सूरत हाल ये है कि ईरान की जानब से भी और माहरीन की जानब से ये कहा जा रहा है कि इस जंग को फौरी तौर पर रोकें, वरना रूस और तुर्की भी इस जंग में शामिल होंगे। अगर वो शामिल हो गए तो फिर इस जंग को कोई नहीं रोक सकता, सैकड़ों अफराद लुकमे अजल बनेंगे और फिर मामला हाथ से निकल जाएंगे और ये इलाका ही जंग की सूरत हाल इख्तियार कर जाएगी। नाज़रीन कराम, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नीज़ हमारी वीडियो को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम हर जगह पर शेयर करने के साथ साथ अपने कीमती राय हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएँ।